कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने बेकार पड़े हुआ, मेरे पास एक फैब्रिक पीस था और एक जेंट शर्ट पीस था जो मेरे लिए कोई यूटिलाइज नहीं था उसका, क्योंकि वो हल्का सा थोड़ा सा सिंथेटिक भी उसमें था और मेरे हस्बैंड इस तरह की शर्ट्स पहननी पसंद नहीं करते हैं और वो पहले का पड़ा हुआ था। तो किस तरह से मैंने उसे एक बेडशीट में कन्वर्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं। वही बेडशीट पे मैं बैठी हूँ, मैंने वही बिछाई है, तो चलिए देख लेते हैं इसका वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं हूँ रोशि, स्वागत है आपका रोशिस कॉर्नर में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की और DIYs की, क्योंकि ये है मॉम्स चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसा लगा है और ये मेरी बेडशीट आपको कितनी पसंद आई है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये है वो फैब्रिक, ये मेरे पास 4 मीटर का फैब्रिक है और ये मेरे ब्रदर ने मुझे दिया था मेरी बेटी के नाइट सूट के लिए, लेकिन मेरी बेटी नाइट सूट नहीं पहनती है तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। और अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो नर्सरी प्रिंट बड़े बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो ये 4-5 साल से मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था। और ये है एक शर्ट का पीस जो लाइनिंग है, ये भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को मिलाकर एक डिज़ाइनर शीट बनाई जाए। तो मैंने कहा ऐसे वेस्ट फैब्रिक से अगर बेडशीट बनती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे पास है करीबन 2.5 मीटर का कपड़ा और जो दूसरा है वो मेरे पास 4 मीटर का कपड़ा है। तो आप चाहें तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फैब्रिक को बिछा कर देख लेते हैं कि हमारे पास ये कितना फैब्रिक है और हमें कितनी इसकी और रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें और कोई फैब्रिक को इसमें ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इस तरह से आप पहले बिछा कर देख लीजिए, मैंने जितना नीचे लेफ्ट ओवर करना है, जितना गद्दे के अंदर हम जो डालते हैं शीट एक्स्ट्रा होती है, तो उतना मैंने छोड़ दिया है और इस तरह से मैंने दूसरा भी बिछा लिया है। ये प्रिंट फैब्रिक जो है ये मेरा डबल है, मैंने डबल करके बिछाया है क्योंकि जितना मेरे पास फैब्रिक था उसे मैंने डबल कर लिया है। तो इस तरह से है ये और मैं 90x90 इंच की जो बेडशीट है वो बना रही हूँ और मुझे 3 पीस डालने हैं जो 30x30 इंच के मेरे प्रिपेयर होंगे, लेकिन जब मैं कटिंग करूँगी तो मैं वो 31 इंच के कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे उसमें 1 इंच जो है वो सीम अलाउंसेज भी रखना है, क्योंकि सीम अलाउंसेज अगर नहीं रखूँगी तो देखिए फैब्रिक छोटा हो सकता है, तो 1 इंच का मैं सीम अलाउंस रखूँगी। तो ये मैं 31x31 इंच पे निशान लगा रही हूँ दोनों फैब्रिक्स पे और उसके बाद मैं उन्हें, ये देखिए मैंने 31 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो मैंने लाइन निशान लगाए थे उनको मैंने इस तरह से कर दिया है, निशान लगा दिया है एक से, और दूसरे फैब्रिक पे भी मैं 31 इंच पे निशान लगा लूँगी ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने 31 इंच पे निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और तो ये देखिए आप देख सकते हैं निशान जो मैंने लगाए हैं, अब हम इनकी कटिंग करनी कर अब ये देखिए 4 फोल्ड है मैंने आपको जैसे दिखाया था, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये फैब्रिक को यूज करेंगे हम पिलो कवर्स बनाने के लिए। चलिए मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ। जो ये मैंने बेडशीट बनाई है, मेरे पास वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था और शर्ट पीस था, आप चाहे तो खाली 3-4 शर्ट के पीस मिलाकर भी उसे डिजाइनिंग दे के बना सकती हैं और चाहे तो आप इसे बेडशीट से आपके पास सिंगल बेडशीट है तो उसके साथ आप साड़ी को यूज कर सकती हैं, आप अपने दुपट्टा उसको मिलाकर उसके साथ बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये फैब्रिक थे तो इसके साथ मैंने बनाया है, आपके पास जो भी वेस्ट फैब्रिक हो, आपके यूज नहीं हो रहे हैं, उन्हें आप इजिली इसे बनाने के लिए यूज कर सकती हैं।
देखिए, आप चाहे तो बेडशीट बना सकती हैं, आप चाहे तो दीवान की शीट बना सकती हैं, जो भी है शीट इसी तरह से बनती है और कुशन कवर भी देखिए मैंने इसी तरह से बनाए हैं, तो इजीली आप बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा उसमें फैब्रिक का मेजरमेंट लगाना होगा कि कितना फैब्रिक है और आपको कितना चाहिए। उसके अलावा आप और फैब्रिक भी उसमें ऐड कर सकते हैं, हल्की सी डिजाइनिंग दे सकते हैं। देखिए इतना साइड पे आएगा फैब्रिक, और ये तो अभी मैंने आपको रफली रख के दिखाया है। ये देखिए, ये प्रिंट फैब्रिक, ये स्ट्राइप वाला फैब्रिक, फिर ये प्रिंट फैब्रिक, और ये इस तरह से इतना है। इधर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फैब्रिक नहीं है, देख सकते हैं आप, ये देखिए, और ऊपर भी देखिए पूरा ही है, ये देखिए और ये देखिए। और यहाँ पे मैं जो फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से ऊपर और नीचे जॉइंट डाल दूंगी, क्योंकि वो तो अंदर फोल्ड हो जाएगा तो इतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में मैं जॉइंट डालती तो वो अजीब लगता। तो ये देखिए यहाँ, क्योंकि ये देखिए ये शीट हमारी अंदर चली जाती है तो यहाँ पे आएगा तो पता नहीं लगेगा जोड़। तो ये देखिए इस तरह से मेरी शीट बनेगी। सबसे पहले मैं फैब्रिक कट करती हूँ, जो यहाँ पे मेरा लगेगा एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे दोनों साइड जो फैब्रिक लगना है मैं उसे लगा लेती हूँ। और फैब्रिक लगाने के बाद जब ये लेंथ इसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं इसे सेंटर में से सीम्स लगाऊंगी। सिर्फ मेरी दो सीम लगेंगी, ये देखिए हमें इतनी लेंथ की स्ट्रिप्स कट करनी है। तो मेजरिंग कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। सेम अलाउंस भी रखेंगे, तो 6.5 इंच की स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी हमें, 6.5 x 30 की। तो चलिए कट कर लेते हैं, 4 स्ट्रिप पहले कट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 स्ट्रिप कट कर ली हैं, अब हम इसे यहाँ पे जॉइन कर देंगे। इस तरह से आएगी हमारी ये स्ट्रिप, ये देखिए। तो चलिए इनको जोड़ लेती हूँ। देखिए ये इसमें हम फ्रेंच सीम लगाएंगे, जिसको हिंदी में हम लोग गुम सिलाई भी बोलते हैं। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं कि ये सिलाई किस तरह से लगाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक से ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस सिलाई से ये होता है कि बेडशीट की जो बैक की आपकी स्टिचिंग होती है वो बिल्कुल भी मतलब फिनिश्ड लुक आती है, उससे बिल्कुल भी गंदा सा नहीं लगता है, जैसे धागे फ्रेइंग हो रहे हों तो वो चीज़ नहीं आती है उसमें। तो देखिए पहले हम एक बिल्कुल करीब से स्टिच लगाएंगे फैब्रिक के, और उसके बाद हम उसे लेफ्ट साइड करके तो इस तरह से सीम्स लगाएंगे। आप फ्रेंच सीम पे मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी फ्रेंच सीम लग गई है, गुम सिलाई जिसको बोलते हैं, और आप देख सकते हैं कि पीछे कितना फिनिश्ड लुक आ रहा है, आपकी बेडशीट पीछे से भी कितनी अच्छी लग रही है, वो जो धागे आपके निकल से रहे होते हैं सिलाई लगाने के बाद वो नहीं हो रहे हैं। देखिए मेरे पास जितना भी फैब्रिक था उससे मैंने बेडशीट बना ली। पिलो कवर ज़रूरी नहीं है आप बनाएं, अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप बना सकती हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकती हैं उसको। लेकिन मेरे पास जो फैब्रिक बचा था साइड से, उससे सिर्फ पिलो का फ्रंट पार्ट रेडी हो रहा था जॉइंट। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पहले मैं प्रिंट फैब्रिक लगाया है और उसके बाद मैंने स्ट्राइप वाला फैब्रिक, और ये मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो, और ये एक साथ में मैंने एक स्ट्राइप डाल दी है जो तीसरे में से, क्योंकि मुझे इसको जो विड्थ है इसकी वो कंप्लीट करनी थी। तो इस तरह से मैंने देखिए सीम्स भी लगा दी हैं, आप इस तरह से अपना जो पिल्लो का फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने पिलो बना दिया है, मैंने साइड्स पे भी इसके ट्राइंगल जो साइड्स थी 1 इंच छोड़ के उस पर सीम्स लगा दी हैं। तो मैंने ये देखिए इस तरह से लगा दी और ये मेरा पिलो रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं मैंने 1 इंच का साइड छोड़ के उसके बाद सीम लगाई है करके उस फैब्रिक को।
बैक के लिए मैंने इसमें ऑरेंज फैब्रिक मिलाया है, ये देख सकते हैं आप जैसे, तो बैक में मैंने ये ऑरेंज फैब्रिक मिलाया है। अब ऑरेंज फैब्रिक मुझे मिलाना था क्योंकि इस बेडशीट में आपने देखा ऑरेंज कलर भी है, तो थोड़ा सा मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था जिससे दोनों बैक बन गई। और इसके बाद मुझे बेडशीट में हल्की सी ऑरेंज शेड को ऐड करना था, तो मैंने ये डिज़ाइनिंग दी है जो आप देखिए। ये जो पॉइंट है ये मेरा बेडशीट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए दो हार्ट शेप में कट किए हैं ऑरेंज कलर के ही, थोड़ा सा कलर को पॉपअप देने के लिए, जो उसमें ऑरेंज कलर है उससे मैच कर रहा है। तो ये मैंने कट किए हैं, दो हार्ट शेप हैं और इनको मैं आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ उसको, तो फिर उसे मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि वो हिले नहीं। और उसके बाद आप सिंपल, आपके पास अगर सिंपल मशीन है तो उससे स्टिच कर सकते हैं, आपके पास मेरी तरह अगर मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं पैच को कंप्लीट। तो चलिए सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये जो दो हार्ट शेप कट की थी उन्हें मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं, और पिन से सिक्योर भी कर लिया है। अब देखिए जो ये इसकी आउटलाइन है उस पर मैं मशीन से कर दूँगी, तो चलिए मैं वो भी मशीन से करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पैच को कंप्लीट कर दिया मैंने और मेरी ये बेडशीट रेडी हो गई है। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट, मेरी ये बेडशीट कैसी लग रही है। और देखिए मैंने एक कुशन कवर भी बनाया, मेरे पास एक पुरानी कुर्ती थी ऑरेंज कलर की जो मैं वेयर नहीं कर रही थी, उसमें से मैंने एक कुशन कवर काटा और जो प्रिंटेड फैब्रिक था मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था स्ट्राइप उसकी पट्टियाँ, तो उससे मैंने इसकी लेस देखिए फ्रिल बना दी है। और जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उससे मैंने इस तरह से पैच लगा दिए हैं, ये है जो आप देख रहे हैं मैंने पैच लगाया है। आप चाहे तो देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास सिंपल मशीन है तो आप उससे भी इजीली स्टिच लगा सकती हैं। ये वाले सिंपल स्टिच लगाना है इस पे, बिल्कुल साइड पे उसे रख के और आप उस पे स्टिचिंग दे सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक मेरी बेडशीट का। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये पिल्लो कवर्स, मेरे कुशन और मेरी ये बेडशीट और उसका ये पैच जो मैंने हार्ट शेप पे बनाया है आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करना मत भूलिए। देखिए मैंने हार्ट शेप में कटिंग की है तो मैंने ये लगा दी है एज अ पैच। अगर आपके पास पैचेस पड़े हुए हैं और कोई कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके साथ तो आप उसे भी लगा सकती हैं। आप चाहे तो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं स्क्वायर कट कर सकती हैं, ट्राइंगल कट कर सकती हैं, सर्कल कट कर सकती हैं, हेक्सागोन कट कर सकती हैं, तो वो शेप आप जो कट करके आप वो भी लगा सकती हैं, आप फ्लावर कट करके वो लगा सकती हैं। जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है उससे आप हल्का फुल्का जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें वो इजली दे सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये प्रोजेक्ट्स कैसे लगे हैं। और इसके अलावा सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।